केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले 4 दिन लगातार मीटिंग्स करने जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं। यूनियन इन 4 दिनों में चिंतन मंथन करने जा रही है बहुत सारे इश्यूज़ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मसले हैं, उन तमाम मसलों के ऊपर अगले 4 दिन डेलिब्रेट करेगी, डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी, ऐसा समाचार पत्रों में आया है। तो हमें लगा कि हम भी कोशिश करें डिसिफर करने की कि अगले 4 दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय किन किन बातों पर और किन किन मुद्दों पर डिबेट और डिस्कशन कर सकता है, और अगले 4 दिनों के बाद क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े बदलाव हमें नजर आएंगे। पहली बात, मुद्दे क्या क्या हैं जिन मुद्दों को डिस्कस और डिबेट किया जाना चाहिए। पहला मुद्दा है कि आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन के बाद, 35A की एब्रोगेशन के बाद और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद इस चीज़ को रिव्यू करना कि कितने केंद्र के कानून हैं जिनको जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अभी तक, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या लोगों की दिक्कतें और परेशानियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला ये कि डिटेंशंस का, कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम नेता हैं वो तो गिरफ्तार हैं ही हैं, सेपरेटिस्ट नेता भी गिरफ्तार हैं। सेपरेटिस्टों को लेकर, अलगाववादियों को लेकर केंद्र सरकार का एक स्पष्ट और बिल्कुल साफ सा एक विचार भी है और एक पॉलिसी भी है कि उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कोई राहत उनको नहीं दी जाएगी, ना ही उन्हें वो सब कुछ करने का अब मौका दिया जाएगा जो सब कुछ वो सालों तक करते रहे। क्या इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा या इस पॉलिसी में कोई बदलाव आएगा। दूसरा, मेनस्ट्रीम नेता, आज की ही खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न इन चीफ थे पहले और अब इस समय अध्यक्ष भी हैं, उनकी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशन है उसको 3 महीना और बढ़ा दिया है। 3 महीना बढ़ाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ऐसी क्या रिपोर्ट है और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार के पास है या जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी सरकार है उसके पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर फारूक अब्दुल्ला की डिटेंशन को 3 महीने और बढ़ाया गया है, उस पर चिंतन मंथन करने होना भी चाहिए और होगा भी। उसके बाद इस डिटेंशन को कब तक कंटिन्यू रखना है, कितने लोग जिनको डिटेन किया गया है मेन स्ट्रीम लीडरों को, कितने ऐसे हैं जिन्हें अब समय आ गया है कि उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, और क्या अब जम्मू कश्मीर में वो समय आ गया है कि जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी कश्मीर घाटी के अंदर शुरू होनी चाहिए, क्या वो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी अगले 1-2 महीनों के अंदर शुरू करने का विचार केंद्र सरकार करेगी कि नहीं करेगी, इस पर भी चिंतन मंथन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी कश्मीर में आज से नहीं बल्कि 1953 से जिस फॉर्मूले को बार बार कश्मीर में, जिस फॉर्मूले पर काम किया गया, जिस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया गया और 22-23 साल के बाद उसी फॉर्मूले को रिवर्स करना पड़ा, उसी फॉर्मूले को दोबारा से जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने का जो एक प्रयास सरकार कर रही है, क्या वो प्रयास सही दिशा में जा रहा है। यानी मेरा इशारा इस और है, यंग एंड एस्पायरिंग लीडर्स हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं नेता बनूं, हर आदमी चाहता है कि पावर कॉरिडोर में रहूं, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास ताकत हो, तो क्या वो तमाम लोग, चाहे वो कॉरपोरेटर हैं, चाहे वो पंच सरपंच है जो चुन के आए हुए हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं, क्या वो सभी लोग इतने कैपेबल हैं, क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उनको राजनीतिक जो कामकाज है जम्मू कश्मीर का उनको सौंपा जाए, कल चुनाव हो, चुनावों में हिस्सा वो लोग लें और उसके बाद MLA बनकर वो जम्मू कश्मीर की का जो केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर की नुमाइंदगी वो लोग करें। ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी 1953 में इस फॉर्मूले को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया,
उसके बाद भी कई बार कोशिश की गई कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर वैली की, उनको रिप्लेस करके एक नया ग्रुप, नया धड़ा जो है वो कश्मीर में तैयार किया जाए, जो कश्मीर के अंदर एक तो हालात को सामान्य करने में केंद्र सरकार की मदद करे, और दूसरा ये भी इंश्योर करे कि जो सेपरेटिज्म की भावना कश्मीर के अंदर है उस भावना को एड्रेस करने की कोशिश करे, उस भावना को कश्मीरियों के मन से और कश्मीरियों के दिमाग से निकालने का काम करे। क्या ये जो नया ग्रुप तैयार किया जा रहा है ये उसमें सफल होगा, उस पर हो सकता है गृह मंत्रालय जो है चिंतन मंथन करे, और कहाँ तक ये काम पहुँचा है। कल एक जम्मू कश्मीर जब माफ़ कीजिए कल जम्मू में एक लिटरेरी फेस्टिवल था, वहाँ पर एक नेशनल चैनल के एडिटर थे जिन्होंने ये बात कही कि आर्मी जो है कुछ 10 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्मी कोशिश कर रही है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है शांति व्यवस्था को बनाने में केंद्र सरकार की मदद करें, तो उनके ऊपर कामकाज हो रहा, उस पर भी चिंतन मंथन होगा। और उसके बाद केंद्र सरकार इस तरफ भी केंद्र सरकार का ध्यान होगा कि जो डोमिसाइल का मामला है, जम्मू से भी आवाज़ उठी है, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर उसके बाद स्पीकर भी रहे डॉक्टर निर्मल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खुलकर भी और दबे लफ्जों में भी और इंटरनली भी पार्टी तक और केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि जम्मू में भी लोगों के अंदर एक विचार है कि कम से कम जो सरकारी नौकरियां हैं, जो लैंड है, जो बाकी तमाम इश्यूज हैं स्टेट के, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए। और हिमाचल के पैटर्न पे, असम के पैटर्न पे, यानी असम में आपको 20 साल का डोमिसाइल है, अगर आपके पास 20 साल का डोमिसाइल असम का है तभी जाकर आप वहाँ पर ज़मीन ख़रीद सकते हैं और आप गवर्नमेंट जो वहाँ पर मुलाजमतें होंगी उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जम्मू कश्मीर को डोमिसाइल मिलेगा, चूँकि अभी तक अगर आप देखेंगे जम्मू में भी, कश्मीर में तो अभी तक राजनीतिक जो एक्टिविटी है वो शुरू नहीं हुई है, सिर्फ खबरें आ रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि जो मेयर हैं जम्मू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जुनेद आज़म मट्टू, उन्हें जो है बाईपास किया जा रहा है, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अखबार में लिख के आ रहा है कि कू होने वाला है, कू की तैयारी है और उनकी जगह मेयर और डिप्टी मेयर अब एक दूसरी पार्टी का बनेगा। ये तमाम चीज़ें खबरें जो हैं वो अखबारों में हैं। होगा क्या, नहीं होगा, और क्या ये कश्मीर के लिए सही है, क्या आने वाला जो कश्मीर का भविष्य है इससे ठीक होगा, इस पर भी चिंतन मंथन होगा। उसके बाद डोमिसाइल को लेकर, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई डोमिसाइल की पॉलिसी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और अगर नहीं बननी चाहिए तो किस तरीके से फिर जम्मू कश्मीर में जो लैंड का है, कल्चर है, और डोगरा संस्कृति हो, कश्मीर का कल्चर हो, इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, उस कल्चरल आइडेंटिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी गृह मंत्रालय जो है वो चिंतन मंथन करेगा। उसके बाद इंटरनेट को लेकर बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा समय हो चुका है जम्मू में भी, अब लोगों के बीच में ये विचार आ गया है कि जी इंटरनेट जो है आपने जम्मू संभाग का बंद करके क्यों रखा है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसलिए बंद किया हुआ क्योंकि आतंकवादी हमलों का खतरा था, जबकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमिटी है और जो बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी के हलकों में बड़े असरअंदाज हैं, उन्होंने ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई है कि जम्मू संभाग में लखनपुर से लेकर बानिहाल तक हालात बिल्कुल सामान्य हैं, कोई खबर नहीं है कि जम्मू संभाग में मुस्लिम युवक जो हैं वो आतंकी संगठनों में गए हैं या आतंकी संगठनों को उन्होंने ज्वाइन किया है, या कोई बहुत बड़ा हंगामा करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है किसी एक राजनीतिक संगठन में या किसी अलगाववादी संगठन में जम्मू संभाग में हो, इस तरह की भी कोई जानकारी आम तौर पर नज़र नहीं आ रही है। यही विचार जो है केंद्र सरकार तक पहुँचाया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद 4G इंटरनेट जो है उस पर अभी भी जो है जम्मू संभाग में बैन है। सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है केंद्र सरकार की जो 4 दिन की मीटिंग है इसमें एक अच्छी खबर, यानी फर्स्ट फेज में आपका जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, इन 4 डिस्ट्रिक्टों में 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। सेकंड फेज में इंटरनेट रिस्टोर करने की बारी आए तो रामबन, किश्तवाड़ और डोडा के डिस्ट्रिक्टों में जो है इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। मैंने आपको कहा फेज, उसमें रियासी का नाम भी मैं लेना चाहूँगा कि रियासी, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ,
ये जो पांच डिस्ट्रिक्ट हैं, इन पांच डिस्ट्रिक्टों में फर्स्ट फेज में इंटरनेट स्टोर होने की संभावनाएं हैं, साफ तौर पे सुनिएगा। दूसरे फेज में तीन डिस्ट्रिक्ट डोडा के आते हैं, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा। उसके बाद दो डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ जो हैं थर्ड फेज में, वहां पर इंटरनेट रिस्टोर किया जा सकता है 4G इंटरनेट। और कश्मीर में जैसे आपको पता ही है कि ब्रॉडबैंड को जो है आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज रिस्टोर किया जा रहा है, लोगों से बाजाबता तौर पर कुछ एक शर्तें रखी गई हैं, उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका ब्रॉडबैंड रिस्टोर किया जाता है, आपसे एक एफिडेविट लिया जाता है जिसे पर आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं इन इन जो है हिदायतों का बिल्कुल ख्याल रखूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि मेरा इंटरनेट जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो वो एक अंडरटेकिंग कश्मीर में ली जा रही है, उससे ब्रॉडबैंड रिस्टोर किया जा रहा है। लेकिन 4G कब तक कश्मीर में रिस्टोर किया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ गई है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे विश्व भर में भारत यानी हमारा देश इस वक्त नंबर वन है इंटरनेट को अलग अलग स्थानों पर बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। कारण भी बिल्कुल आपके सामने हैं, आप जानते ही हैं कि इंटरनेट के ऊपर जिस तरीके से अफवाहें इधर से उधर और उधर से इधर फैलती हैं और जिस तरह का विचार और जिस तरह की सोच और जिस तरह की खबरें इंटरनेट के ऊपर फैलाई जाती हैं तो कई बार जो है अच्छे खासे जर्नलिस्ट भी जो हैं उसका शिकार होते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि दलीप कुमार को, एक छोटी सी एक एग्जाम्पल है, दलीप कुमार लगभग अभी तक 10-12 बार मार दिए गए हैं, ठीक है, तो लेकिन वो उसके बाद सेहतियाब पाए जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि फलानी का निधन हो गया लेकिन वो ज़िंदा होता है। और उसके बाद ये जो धार्मिक उत्पात फैलाने का काम वो भी इंटरनेट के ज़रिए किया जा रहा है। जहाँ केंद्र सरकार को सोशल मीडिया साइट्स को के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए था या सोशल मीडिया साइट्स को और ज़्यादा मॉनिटर करना चाहिए था, वहाँ पर इंटरनेट बंद करना, वो कहीं ना कहीं जो कारोबारी तबका है, जो आम युवा हैं, जो जिन्हें कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरने हैं या यूट्यूब, फेसबुक और बाकी जगहों से जिन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस पर भी केंद्र सरकार चिंतन मंथन करने जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय चिंतन मंथन के बाद इस एक फॉर्मूले के तहत 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कर सकता है, इसकी भी संभावना है। और उसके अलावा मैं एक दो इश्यूज़ जो हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर की, कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी इन एग्जिस्टेंस है उस रिजर्वेशन पॉलिसी में अब क्या बदलाव आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अब माइनॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर की डिफाइन होगी, माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट करना है, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन और कुछ और कमीशन जो हैं वो बंद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब लोग चूंकि दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए उस पर भी चिंतन मंथन होगा। प्रोजेक्ट्स को लेकर कि पार प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन की पेस है वो डबल ट्रिपल चार गुना कैसे की जा सकती है, और जो पार डेफिसिट जम्मू कश्मीर को 20,000 मेगावाट का पार पोटेंशियल होने के बावजूद फेस करना पड़ता है, उस डेफिसिट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, और एड्रेस करने के बाद ये सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले, उस पर भी चिंतन मंथन होगा। एक डेवलपमेंटल पैकेज, अस्सी लाख करोड़ का डेवलपमेंटल पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लगभग 2 साल पहले। उस डेवलपमेंटल पैकेज को अलग अलग जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, कुछ रोड के लिए है, कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए है, कुछ टनलिंग के लिए है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स हैं उसके। उन कंपोनेंट्स को जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ उन कंपोनेंट्स को जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं करना बल्कि इंश्योर करना कि अगर 10 रुपये जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं तो 10 में से अगर 9 रुपये नहीं लग सकते तो कम से कम 6 रुपये तो उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर लगने चाहिए। क्या जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन के डिस्ट्रिक्ट हैं, रजौरी, पुंछ के हैं, उधमपुर के इंटरनल एरियाज़ हैं या कश्मीर के जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, क्या उन तक मैकेडमाइज रोड पहुँचेगी या वो सपना ही बनकर रहेगा, इस पर भी चिंतन मंथन केंद्र सरकार करने जा रही है। लैंड रजिस्ट्रेशन को लेकर लॉयर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर थे और उसके बाद 40 दिन से ज़्यादा की हड़ताल करने के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस ली और कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। रजिस्ट्रेशन का कामकाज अब कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर होगा और वहाँ पर वकील पेश होंगे।
यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो बार की के इतिहास में, जम्मू बार के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी बार दो कदम पीछे हटी है और सरकार का समर्थन और सरकार का साथ दिया है। जो जितने भी केंद्र के कानून हैं उनको जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून है, और चूंकि बाकी सारे लॉज जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हैं, तो ये कानून अगर बाकी देश भर में इस एक तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो जम्मू कश्मीर में अलग क्यों हो। इस पर चूंकि केंद्र सरकार ने एक तो क्या आधा तो क्या पौना कदम भी पीछे हटना जो है ना तो ठीक समझा, और ना ही केंद्र सरकार हटी, और राज्य सरकार में भी चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की एक बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी मानी जाएगी ये कि उन्होंने जिस तरीके से सारे इशू को हैंडल किया, और फाइनली नतीजा ये निकला कि 40 दिन के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ली, 18 तारीख से वो कामकाज अपना दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और दूसरी ये खबर भी आप तक पहुंचाऊं कि अब समूह है इस बात पर भी राजी होता हुआ नजर आ रहा है कि हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसे जानीपुर से शिफ्ट किया जाना चाहिए रायका में। बहुत सारे वकीलों से जिनसे मेरी कल बात हुई, मैं भी खुद थोड़ा हैरान हुआ कि वो कहने लगे कि जिस तरह का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, या दिल्ली का जो कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स जो पठानकोट में है, वो हमारे हाई कोर्ट से ज़्यादा बेहतर है, और किसी भी तरीके से जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में है वो किसी भी तरीके से काफ़ी नहीं है। बहुत ज़रूरत है कि एक बहुत लेविश, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत हाई कोर्ट हो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। तो अब मतलब ऐसा लगने लगा है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग जितने भी पिछले 14 साल में जम्मू 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 कश्मीर हाईकोर्ट बार सुन जम्मू ने जितनी भी एजिटेशनें लड़ी, हर एजिटेशन का ऑलमोस्ट मैं आई विटनेस हूँ। मैंने बार को एजिटेशन लड़ते हुए देखा है, और देश के लिए एजिटेशन लड़ते हुए देखा है, देश के हक में एजिटेशन लड़ते हुए देखा है, देश के लिए एजिटेशन लड़ते हुए देखा है, और आज भी ये जो दो कदम अगर बार पीछे हटी है तो वो भी इसलिए हटी है क्योंकि कुछ आश्वासन चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने दिए हैं कि जो जम्मू तहसील का जो रजिस्ट्रेशन का कामकाज है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है जानीपुर में उसके बाहर जो है वो सारा कामकाज रहेगा, ताकि वकीलों को वहाँ जाने में, वहाँ पेश होने में आसानी हो। और साथ में इंडेंट जो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल, जो उनका इंडेंट गया था राज्य सरकार को कि आप हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स को जानीपुर से शिफ्ट करें और उसे रायका में, जो बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया में शिफ्ट करें, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत हाई कोर्ट कम्प्लेक्स होना चाहिए जिसमें हेलीपैड्स होने चाहिए, जिसमें जो जितने भी जज साहिबान हैं उनके फ्लैट्स होने चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो फैसिलिटीज़ बाकी जगह पर जजेस को मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी उनको मिलनी चाहिए। तो लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में रायका मामले में भी सरकार ने जो एक फैसला एक एक सरकार ने जो एक प्रपोजल मूव किया है, जो हाईकोर्ट ने एक प्रपोजल मूव किया है, सरकार ने उसको एक्सेप्ट करके उस पर मोहर लगा के उसे केंद्र सरकार के पास भेजा है, लगता है कि शायद उस पर भी गृह मंत्रालय में चिंतन मंथन होगा और एक फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। और आखिर में बिल्कुल कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव, यही सवाल सबके दिमागों में है और सब यही पूछ रहे हैं। तो सबकी अपना सबका अपना अपना गणित है। बड़े सारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नवंबर में करा रहे थे, तो तब भी जब मेरी बात होती थी तो मैं कहता था कि नहीं होंगे नवंबर में असेंबली के चुनाव, नहीं होंगे, होंगे तो मार्च के बाद होंगे, और हो सकता है 2 साल तक ना हो। लेकिन जो अब लग रहा है, जो जो माहौल कश्मीर में है और जिस तरीके से जम्मू में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि चुनाव न होने के कारण जम्मू के लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ अलगाववाद की समस्या नहीं, आतंकवाद की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आपका मसला है, आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई दिक्कत है, उस परेशानी और उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप जाएं तो जाएं कहाँ।
तो जम्मू में चुनाव, जम्मू के लोग तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जल्द से जल्द जम्मू में जिससे भी आप बात करें, बिल्कुल चुनाव जल्द होने चाहिए ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली जल्दी से जल्दी जो है वो कायम हो। और लोगों को, मुझे एक और चीज़ सामने आ रही है, अच्छा तो मैं आपको ये कह, अच्छा बिल्कुल आखिर में, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, संगठन महामंत्री अशोक कौल ने कही थी कि इस महीने के आखिर तक जो है उसको डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। उम्मीद ये है कि जो गृह मंत्रालय की ये 3-4 दिन की बैठक है, इस बैठक में डिलिमिटेशन कमीशन पर भी फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि ये जो गृह मंत्रालय की 4 दिन की मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद जो बड़े फैसले जिन पर लोगों की, मेरी और आपकी नज़र होगी, एक फैसला ये होगा कि क्या इंटरनेट रिस्टोर होगा, नंबर दो आपकी मेरी नज़र हो ये होगी कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा, और नंबर तीन राजनीतिक लोगों की इस बात पर नज़र होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हों, पीडीपी के नेता हों, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता हों, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हों, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हों, क्या इन सभी नेताओं को आज़ाद किया जाएगा, और आज़ाद करने के बाद क्या ये लोग वापस 370 का राग अलापेंगे, क्या ये वापस अटोनमी के गाने गाएंगे, क्या ये वापस वही सब करेंगे जो सब जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछले 70 साल ही करते रहे हैं। इन सभी बातों पर हमारी नज़र होगी और स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक ये तमाम बातें हम पहुंचाते रहेंगे।